हम आपको सिंटेक्स के पार्ट वन बता दिए थे, जिसको सिंटेक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एसएससी रेलवे का सबसे इम्पोर्टेड इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। यदि आप सिंटेक्स ठीक कर देते हैं तो आपका पास्ट ऑफ स्पीच, साथ ही साथ नाउन प्रीपोजिशन भी आपका ठीक हो जाए। प्रीपोजिशन के पार्ट टू में आपका आता है पाँच नंबर पाँचवा पॉइंट है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस पुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। यानी हम आपको पहले बताए थे कि जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन डॉट 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 ऐसे कोई सेंटेंस एक दूसरा से जुड़ा रहता है, तो इसमें जो हम वर्ब डालते हैं वो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से डालते हैं। तो पहला क्या है कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गया, प्लस ऑफ से जुड़ा हुआ फिर पुलर नाउन है। तो पुलर नाउन है तो आप जाइए इस पे, इसके फर्स्ट वाले पर। तो हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन में कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो हम क्या किए, सिंगुलर वर्ब का यूज किए। यहाँ पर जैसे एक आपको एग्जांपल दे हैं कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है, पुलर नाउन है, पुलर नाउन है, फिर भी यहाँ पर हैज का प्रयोग किए। क्योंकि हैज का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि जो ये टर्म लेगा वो फर्स्ट वाला से लेगा, माने ए टीम से लेगा, और ए टीम जो है एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि टीम जो है बहुत सारे समूह को मिलकर मात्र अकेला एक टीम बन गया, इसलिए ये टीम के अनुसार आएगा। टीम के अनुसार क्या आएगा, सिंगुलर भर भायम। यानी ये एक समुदाय कलेक्शन या फिर यूनिटी का बोध करा देता है, जिसके चलते क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। सिक्स पॉइंट में है कि कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, ये आप एकदम याद रख लीजिए। कलेक्टिव नाउन के बाद कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अगला आ जाता है सब्जेक्ट के जगह पर कोई ऐसा नाउन हो जो कि निश्चित वेट, जो वेट है वो आपका निश्चित बताए, मेजर बता दें, अमाउंट बता दें या फिर डिस्टेंस का बोध हो, तो पुलर नाउन रहने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वेट में आपको लिख दे कि 50 किलोमीटर्स, तब 50 किलोमीटर से है तो 50 भी यहाँ पर क्या हो जाए, पुलर आप बोलिएगा, किलोमीटर्स भी पुलर बोलिएगा, फिर भी यहाँ पर सिंगुलर लेगा। रीजन ये है क्योंकि क्या कह रहा है, निश्चित कह रहा है, यही केवल किलोमीटर्स होगा। यदि यही केवल किलोमीटर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाता, केवल किलोमीटर्स हो जाएगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा। बाकी यही क्या कह रहा है कि ये 5, 6, 7 ऐसे कर देगा, तो आपको क्या करना है। आठवां पॉइंट है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और ये क्या होना चाहिए, दोनों एकदम सेम होना चाहिए। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और दोनों नाउन क्या है, सेम है, तो फिर भी उसमें सिंगुलर नाउन ही करेंगे। जैसे शिप के पीछे से कोई शिप आ रहा है तो क्या लिखेंगे, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई, सेल करने के लिए शिप के बाद शिप आ रहा है, तो ऐसे जब वर्ड किए तो क्या हो गया, नाउन है, प्रीपोजिशन का यूज कर दिए, फिर उसके बाद वही नाउन डाल दिए, तो इसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नौ नंबर आपका पॉइंट है कि मेनी के बाद मेनी प्लस ए या फिर एन का प्रयोग कर दे, उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दे, मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस, तो क्या आपका आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब अगला पॉइंट है कि मोर देन में यदि वन लगा हो, वन के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, ये नहीं करना है कि इससे अधिक, ऐसा बात नहीं सुना, और अधिक समझ के आप यहाँ पुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर देन प्लस वन प्लस सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे कि मैनी मैन कुछ व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति, वाज का यहाँ पर प्रयोग हुआ, वाज के बाद क्या आ गया, किल्ड आ गया। फिर यहाँ पर है मोर देन वन बॉय, एक बॉय से अधिक, तो क्या आया, वाज आया, वाज के बाद क्या आया, ऑब्सेंट ही आ गया। टेंथ नंबर है कि मोर के बाद यदि कोई पुलर नाउन आ जाए, मोर लिखा हुआ है, मोर के बाद यदि कोई पुलर नाउन आ जाए, पुलर के बाद यदि देन वन आ जाए, तो इसके बाद जो पुलर आएगा वो पुलर वर्ब ही आएगा। याद रखें, मोर पुलर नाउन देन प्लस वन, और उसके बाद यदि कोई पुलर वर्ब दे दें तो आपको क्या यूज करना है, पुलर वर्ब लगाना है। जैसे मोर बुक्स देन वन हैव बीन ब्राउन,
यहाँ पर क्या आएगा, मोर लगा, मोर के बाद एक पुलर नाउन लगा, पुलर नाउन के बाद दैनवन आया, दैनवन के बाद क्या आएगा, हैव बीन, यानी सब पुलर आएगा। अगला है कि ए मोहन सिंह, मोहन सिंह आई एम नॉट आवर फ्रेंड, यहाँ पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट के हिसाब से आएगा। आपको बताए थे कि नाउन प्लस कुछ भी आए तो आपको फर्स्ट पाला के अनुसार यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस कोई वर्ब आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो उसमें क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ईच ऑफ देम हैज गॉन, यहाँ पर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। अगला है कि इनडिफिनिट प्रोनाउन प्लस पुलर काउंटेबल नाउन यह दिया जाता है, फिर भी उसमें हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं या फिर पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा ठीक ही होगा। यदि इन्फिनिटिव प्रोनाउन रहे उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे तो आपको याद रखना होगा कि जब भी आपका प्रयोग करना है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। इसमें एक आपको एग्जाम्पल दे दें तो काउंटेबल नाउन में ऐसे चीज, इसके अगला वीडियो में हम आपको शॉर्ट हैंड बताएंगे। शॉर्ट हैंड अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ वीडियो हम नहीं सेंड कर पा रहे हैं, शॉर्ट हैंड बताएंगे। शॉर्ट हैंड के बाद हम जीके भी आपको बताएंगे। अगला वीडियो शॉर्ट हैंड का आएगा, शॉर्ट हैंड सीखना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितना भी शॉर्ट हैंड एसएससी और रेलवे के जितना भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला आपका टॉपिक होगा शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड शुरू से सीखना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइन बाय लाइन शॉर्ट हैंड सिखाएंगे। इसके बाद यदि आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।